गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन. स्टैंडर्ड 4 सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर 3 तमिलनाडु. बच्चों, हमारे देश के दक्षिण में 5 प्रमुख राज्य हैं. आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना. तमिलनाडु भारत के दक्षिणी सीमांत में बसा है. कहाँ पे? दक्षिणी सीमांत में. इसके उत्तर में आंध्र प्रदेश, पश्चिम में केरल, दक्षिण में हिंद महासागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है. यह कुछ तिकोनी आकृति वाला प्रदेश है. इस प्रदेश को कावेरी नदी 2 भागों में बांटती है. वहाँ से कौन सी नदी जाती है? तो बोले कावेरी. और कहाँ पे तमिलनाडु? तो भारत के दक्षिणी सीमांत में बसा है. राज्य का पश्चिमी, दक्षिणी और उत्तर पूर्वी भाग पहाड़ी भूभाग वाला है. कैसा है? पहाड़ी एरिया है पूरा. तमिलनाडु देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी सीमा के भीतर पूर्वी और पश्चिमी घाट पड़ते हैं, जो नीलगिरी से जुड़े हुए हैं. राज्य का पूर्व भाग सबसे अधिक उपजाऊ है. धान यहाँ की मुख्य फसल है. उसके अलावा यहाँ कपास, गन्ना, मकई, हल्दी, रागी, नारियल, दलहन तथा अन्य फल एवं सब्जियाँ भी उगाई जाती है. आपको पिक्चर में दिया हुआ है ये लोग खेती कैसे करते हैं. देखो, और ये है तमिलनाडु का नक्शा, जहाँ आंध्र प्रदेश, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, अरब सागर और कर्नाटक बताया हुआ है. तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई का समुद्र तट मैरीना बीच देखते ही बनता है. यह विश्व के सबसे लंबी समुद्र तटों में से एक है. यहाँ छोटी बड़ी अनगिनत नावें दिखाई देती है. यहाँ छोटी बड़ी मछलियों के लगे ढेर को देखकर आंखें फटी ही फटी रह जाती है. देखो, आपको पिक्चर में दिखाया हुआ है, समंदर दिखाया हुआ है, वहाँ लोग टहल रहे, ये बताया हुआ है, घूम रहे सब, नहा रहे सब. तमिलनाडु के मंदिरों की शोभा देखकर मन प्रसन्न हो जाता है. चेन्नई शहर से 60 किलोमीटर की दूरी स्थित महाबलीपुरम मंदिर की शोभा अनोखी है. यहाँ की शिल्पकला 7वीं सदी की है. अब आगे का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. थैंक यू.